हाय एवरीवन, दिस इज शामी एंड यू आर वाचिंग शामी स्पीक्स। और आज हमारी क्रिक मीम रिव्यू सीरीज की दूसरी एपिसोड है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट रोलिंग। वीक जोन ऑफ अदर प्लेयर्स, वीक जोन ऑफ आसिफ अली एंड हैदर अली। देखिए, हमें पता है कि दोनों प्लेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आखिर वो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक्सप्रेस नहीं क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो इन एरियाज़ के अंदर लैक कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है यहाँ पे मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा गलती है कि अगर वो किसी एक प्लेयर किसी एरिया के अंदर लैक कर रहा है तो आखिर उस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है। क्योंकि देखें, हर बैट्समैन आपको 100% आइडियल नहीं मिल सकता, हर बैट्समैन के अंदर कोई ना कोई खामी होती है। तो देखें, आसिफ अली और हैदर अली के अंदर अगर ये छोटी छोटी खामी हैं तो मेरा ख्याल है मैनेजमेंट को उन पर काम करना चाहिए और दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, देखें ऐसी ऑफ सेंचुरी करते ही नहीं जो सेंचुरी में ना कन्वर्ट कर सकें। देखें, फवाद आलम का जो सेंचुरी कन्वर्जन रेट है वो 100% है और रात तक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर कोई भी 50 स्कोर नहीं की। इसकी एक ही वजह है कि वो जो भी 50 स्कोर करते हैं उसको वो 100 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और वो ऐसा करने वाले दुनिया के छठे और एशिया के पहले बैट्समैन हैं। अच्छा जी, ये हमारे ICC एलीट पैनल के अंपायर हैं कुमार धर्मसेना और इन्होंने बोल्ट के साथ एक पिक्चर क्लिक की हुई है। आप फेक्स एक्सप्रेशन शिफ्टर देख सकते हैं कि जैसे ही कुमार धर्मसेना न्यूजीलैंड के कैंप में मौजूद थे और पीछे से बोल्ट भी उनकी सेल्फी में आ रहे थे तो उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट थे और वो कोई खुशी का इजहार नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ पे एक स्माइल पास करना बोल्ट को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का बायस बन सकती थी उनके लिए। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें कि जैसे ही केन विलियमसन का मुँह दूसरी तरफ है और इंग्लैंड के प्लेयर्स पीछे नज़र आ रहे हैं, उनकी खिलखिली खुल के सामने आ गई है। वेल डन रिजीव बॉय, पहली मरतबा मोहम्मद रिजवान ICC T20 रैंकिंग्स के अंदर टॉप 10 के अंदर शामिल हो गए हैं। वाटर 2021 ही इज एमिंग, एक चमक के सामने आए हैं और उन्होंने क्रिकेट के खेल को बच्चों का खेल समझ लिया है। कुछ अर्सा पहले तक मोहम्मद रिजवान पर शदीद तनकीद की जाती थी कि वो पावर हिटिंग नहीं कर सकते, उन्हें रिजवान ब्रेडमैन जैसे तंजिया नाम से पुकारा जाता था। अगर पाकिस्तानी टीम का कोई भी प्लेयर मीम्स का महव मरकज़ था तो वो बेचारा मोहम्मद रिजवान होता था, लेकिन क्या वो उभर के सामने आए हैं और हर मैच के अंदर उनकी जानब से शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इस साल T20 क्रिकेट के अंदर उनकी एवरेज 100 है और मेरा ख्याल है डेविड मिलान को खतरा लग रहा होगा कि अपनी पोजीशन से, कि जिस तरह ये तेज़ी से मोहम्मद रिजवान ऊपर आ रहे हैं बहुत जल्द उनकी पोजीशन को भी हमें ख़तरा लग रहा है। अच्छा जी, मोहम्मद रिजवान की रैंकिंग की हमने आपसे डिस्कशन कर ली, बाकी प्लेयर्स को देख लेते हैं। नंबर 7 पे हैं लुकेश राहुल, नंबर 6 पे हैं वेंदर डोजन, नंबर 5 पे हैं विराट कोहली, 4 पे हैं डेविन कॉनवाई, 3 पे हैं एरन फिंच, नंबर 2 पे हैं बाबर आजम और नंबर 1 पे हैं बेटे। ओ बेटा मौज कर दी, हां मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। अदर क्रिकेटर्स वर्किंग हार्ड फॉर इयर्स ऑन देयर टेक्निक टू सक्सीड इन टेस्ट क्रिकेट। फवाद आलम, फवाद आलम ने देखें चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल रखा हुआ है, जस्ट लाइक दिस गाय। उन्होंने हमें सबको एक चीज़ खा दी है कि अगर आपकी बैटिंग टेक्निक जिस तरह की मर्जी हो, लेकिन अगर आप हार्डवर्क करते हैं और डिटर्मिनेशन दिखाते हैं तो आप क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट के अंदर कामयाब हो सकते हैं। देखें, जो फवाद आलम का बैटिंग स्टाइल है बहुत ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स है, उनकी टेक्निक अगर देखी जाए बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन क्या है वो टेक्निक उनको सूटेबल है और वो उसके अंदर कंफर्टेबल है उस चीज़ को खेलने में। आज के दौर में अगर किसी क्लब लेवल पे या स्कूल लेवल पे कोई भी बच्चा फवाद आलम का स्टाइल अपनाने की कोशिश करेगा तो कोच उसकी जान के पीछे पड़ जाएगा कि ये किस तरह का स्टाइल है, तुम अपना स्टाइल चेंज करो, और उसके बदले उसकी पूरी की पूरी टेक्निक ही चेंज करवा दी जाती है। तो ये चीज़ देखने वाली होगी, क्या वो एक अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग स्टाइल के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा रन स्कोर कर पा रहा है, या आपने जो फोर्सफुली उसका एक बैटिंग स्टाइल चेंज करवा दिया है उसके अंदर वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। 50 रन्स कंसीडेड, हेयर इज़ अ फनी ट्वीट, नाउ लाफ। आपको एक चीज़ बताते चलें कि इस मरतबा IPL के अंदर एक ट्विटर सेलेब्रिटी भी हमें खेलता हुआ देखने को मिल रहा है, तो अगर आपने उसकी परफॉर्मेंस को लेके कोई भी ट्वीट की तो वो आपको बख्शने वाला नहीं है। बेशक कोई पॉलिटिशियन हो, कोई सेलेब्रिटी हो या कोई क्रिकेट एक्सपर्ट हो, अगर उन्होंने जिमी नेशिम की परफॉर्मेंस पे कोई भी ट्वीट की तो वो आपको किसी सूरत भी दरगुजर नहीं करने वाले और हर महाज पे आके आपका वो सामना करेंगे और आपकी एक ट्वीट पे वो 10 ट्वीट से रिप्लाई करेंगे।
माई मोम ओपन माई फोन, ब्राइटनेस, फॉन्ट साइज, वॉल्यूम, चैट नोटिफिकेशंस की भरमार हुई हुई है, उधर रश पड़ा हुआ है। एवरीवन टू रोहित शर्मा, वन ही रीचेस 100 एंड स्टार्ट्स हिटिंग सिक्सेस। आप लगते बोले हो लेकिन हो नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा का 100 से 200 के कन्वर्जन रेट पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। और 1 से लेके 100 तक जो उनका स्ट्राइक रेट है और 100 से लेके ऑनवर्ड्स जो उनका स्ट्राइक रेट है, उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और एक नया गियर शिफ्टर लग जाता है उनको 100 रन स्कोर करने के बाद। व्हेन यू आस्क धोनी टू हिट बाउंड्रीज बिफोर 49th ओवर, MS धोनी, ये मेरे वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। आखिर क्या ज़रूरत है 50वें ओवर से पहले अपनी एनर्जी ज़ाया करने की, जब और प्लेयर्स हैं छक्के वगैरह मारने के लिए। तो आखिरी ओवर में यार जाके देखी जाएगी, आखिरी ओवर में हम अपने जलवे दिखाएंगे। मोबाइल्स रैम व्हेन यू आर प्लेइंग फ्री फायर, मोबाइल्स रैम व्हेन यू आर प्लेइंग अदर बैटल रॉयल गेम्स। यस यस यस, द लेजेंड, द मिथ, द मैन हु रेवोल्यूशनाइज द क्रिकेट, वन एंड ओनली डॉक्टर अहमद लियाकत। और उनसे बड़ी क्रिकेट के अंदर मोस्ट पावरफुल अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी कोई है नहीं। और कल अगर फवाद आलम ने सेंचुरी स्कोर की और अगर उनका सेंचुरी कन्वर्जन रेट 100% है, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही बंदा है और वो अहमद लियाकत है। व्हेन विराट कोहली रियलाइजेस नेक्स्ट वर्ल्ड कप इज इन इंडिया। ये चीज देखें, विराट कोहली ने अपने क्रिकेटिंग कैरियर के अंदर ऑलमोस्ट हर चीज़ अचीव कर ली है, और अगर एज अ कैप्टन अगर उन्होंने नहीं कुछ अचीव किया तो एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। किसी भी ICC मेगा इवेंट के अंदर अभी तक वो अपनी टीम को कामयाबी नहीं दिलवा पाए, जिस तरह से MS धोनी का ट्रैक रिकॉर्ड ICC इवेंट्स के अंदर, इसी तरह से विराट कोहली भी अपना एक रिकॉर्ड एस्टेब्लिश करना चाहेंगे मेगा इवेंट्स के अंदर। और इससे बड़ी उनकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी उनके लिए कि अगला T20 वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर होने जा रहा है, तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट चांस है उनके लिए कोई भी मेगा इवेंट की ट्रॉफी ग्रैब करने के लिए। मेरे ख्याल यहाँ पे पूरे का पूरा क्रेडिट कैमरा मैन को जाना चाहिए कि जिस मौका पे उन्होंने रोहित शर्मा की वाली पिक्चर क्लिक की है। अच्छा जी, ये हमारे तनवीर भाई हैं जिनकी 2 यूट्यूब वीडियोस टाइटल का जिक्र यहाँ पे हो रहा है। लेट्स सी, वन प्लेयर स्टार्टेड लीविंग PSL, तब उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था PCB की नाअहल इंतज़ामिया ने PSL को बर्बाद कर दिया, तनवीर सेज। और इसके बाद उन्होंने वन प्लेयर स्टार्टेड लीविंग IPL, तब उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था सिंपथीज फॉर इंडिया इन दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, प्लेयर्स पुलिंग आउट ऑफ IPL। मेरे ख्याल में अगर आप उनकी इस चीज़ को इस बात से तशबीह देना शुरू कर दें कि शायद उन्होंने व्यूज़ हासिल करने के लिए इस तरह की कोई हरकत की है, तो मेरा ख्याल ये गलत चीज़ है। एक पावरफुल मीडिया अट्रैक्शन वो बन चुके हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर, उनसे बड़ा जर्नलिस्ट इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। बड़े बड़े चैनल्स उनको ऑफ़र करते हैं, BBC और Channel 9 की जानब से उनको ऑफ़र आई थी, लेकिन उन्होंने वो तमाम की तमाम ऑफ़र्स रिजेक्ट कर दी। और मुल्क की खिदमत के लिए उन्होंने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, और अगर इस तरह के वो वहाँ पर रिव्यूज़ का इजहार कर देते हैं तो मेरा ख्याल है इसमें कोई कबाहत नहीं है। और वैसे भी उन्होंने पाकिस्तानी टीम और मुल्क के लिए जो खिदमात सर अंजाम दिए हैं, ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। हाईएस्ट विकेट टेकन है पाकिस्तानी टीम की जानब से, मोस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स उनके पास हैं, लोएस्ट इकॉनमी रेट के साथ वो बॉलिंग करवाते थे, और उनसे बड़ा लेजेंड पाकिस्तानी क्रिकेट इंडस्ट्री ने आज तक प्रोड्यूस नहीं किया। तो मेरा ख्याल है उनकी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। अ गुड बैटिंग पार्टनरशिप गोइंग ऑन, 9 विकेट्स इन हैंड्स, other teams guys we need to break this partnership, they have 9 wickets, other batsmen will have a sad platform to win it for their team, come on guys let's give our best to get 9 wickets, Saifi boy, Shabab boy, bas ek wicket ki baat hai। dekhen jo aakhri T20 ke andar Zimbabwe ke khilaf Saifi boy ke jalwe hame dekhne ko mil rahe the, kya baat thi unki, jab koi Zimbabwe ke wicket nahi gir rahe the tab Saifi boy ke paas Babar Azam mashwara lene ke, और क्या ही इन्होंने मशवरा दिया कि उसके बाद पूरी की पूरी जिम्बाब्वे की टीम ही ढेर होगी। तो Saifi boy की मैच के अंदर बैटिंग आए या ना आए, बॉलिंग वो करें या ना करें, लेकिन उनका सहर कुछ ऐसा है पाकिस्तानी टीम के ऊपर, जब भी वो आए हैं उनके मशवरे काम आए और पाकिस्तानी टीम वो मैच जीती है। मोइन अली इन RCB, मोइन अली इन CSK,
जब आरसीबी की जानब से मोइन अली खेलते थे तो एक मरी हुई परफॉर्मेंस उनकी जानब से हमें देखने को मिलती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज चेंज की है और सीएसके के अंदर आए हैं, उनके तो रंग रूप ही बदल गए हैं और हर मैच के अंदर उनकी जानब से हमें 100% परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और बेचारा विराट कोहली इतने साल बस यही रोता रहा कि हमारे पास एक बॉलर की कमी है, एक अच्छे ऑलराउंडर की कमी है, तो मोइन अली को स्टेप अप करना चाहिए। लेकिन मोइन अली की परफॉर्मेंस में भी कोई बेहतरी ना देखने को मिली। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज चेंज की फ्रॉम आरसीबी टू सीएसके, तो उनकी परफॉर्मेंस शानदार रही और उन्होंने आईपीएल के इब्तदाई मैचेस में सीएसके की फतह में अहम किरदार अदा किया। अच्छा, यहाँ पे सरफराज अहमद साहब ने कमेंट किया हुआ, टीम आज मेरी टिप्स से जीती। देखिए, मैं उनकी इस बात की बिल्कुल तायद करता हूँ, अगर पाकिस्तानी टीम आखिरी T20 मैच जीती है तो बिल्कुल मेरे कैप्टन सैफू भाई के मशवरों से जीती है, और उनके जो मशवरे थे वो पाकिस्तानी टीम के बड़े काम है। और उसके नीचे मोहम्मद रिजवान ने कमेंट किया हुआ, बिल्कुल ठीक कह रहा है तू शहजादे, खुश रहे। ओपन बाथरूम लाइट काकरोच विद विंग्स। और ये काकरोच सिर्फ उसी जगह पे टिका नहीं रहता, बल्कि ये ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाता है। वो तो भला हो इंतज़ामिया को उन्होंने ग्राउंड के इर्द गिर्द एक दीवार बनाई होती है, वरना उसकी यही कोशिश होती है कि दीवार ना हो और बस वो सेलिब्रेशन के अंदर चलता आ जाए। अच्छा जी, ये भी हमारे पास एक मैच की पिक्चर है। हम हर अपनी एपिसोड के अंदर आपको कुछ मैचेस की पिक्चर दिखाते हैं और आपको गेस करने का कहते हैं कि आप ये मैच गेस करें, ये कौन सा मैच है। तो ये भी आपको बताते चलें कि ये 2019 वर्ल्ड कप का एक मैच था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के माबैन ये मैच हो रहा था। पाकिस्तानी टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पर 264 रन बना लिए थे और इसे मैच जीतने के लिए 35 गेंदों पर 44 रन चाहिए थे। ये मैच पाकिस्तानी टीम मिडिल ओवर्स के अंदर ऑलमोस्ट हार चुकी थी, लेकिन उसके बाद आखिरी के ओवर्स में हमें भाव रियाज की जानब से शानदार मुजहमत देखने को मिली और उन्होंने पूरी की पूरी स्टेलवी टीम के एज़ यूजुअल रंग उड़ा दिए। और ऐसे लग रहा था स्टेलवी टीम्स के फेसिस से कि शायद भाव रियाज उनसे ये मैच छीन के ले जाएंगे, लेकिन फिर कुछ ऐसे हुआ कि एक गेंद भाव रियाज के बल्ले से क्लिक होती हुई विकेट कीपर के पास गई। पहले तो बॉलर और विकेट कीपर या किसी और फील्डर ने कोई ख़ास अपील नहीं की, बस हल्की सी उन्होंने अपील की अंपायर से, लेकिन जब DRS का टाइमर ख़त्म होने में सिर्फ 1 सेकंड बचा था, तब बॉलर के जहन में पता नहीं क्या ख्याल आया और उसने अपने कैप्टन को जल्दी से रिव्यू लेने का कह दिया और आखिरी सेकेंड के अंदर स्टेलवी टीम ने ये रिव्यू ले लिया। और कुछ ऐसा ही हुआ कि जो पहले लग रहा था कि शायद ये आउट नहीं होगा, वहाब रियाज स्नीको के ऊपर पकड़े गए और वहाब रियाज को आउट करार दे दिया गया, जिसके बाद पूरे के पूरे मैच की काया ही पलट गई और पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि जो इंटरेस्टिंग मैच है पाकिस्तान, वो मैच आसानी से आखिर में हार गया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स टू अदर PSL टीम आफ्टर पिकिंग आंद्रे रसल इन द टीम। बस निकल गई हवा। आजकल सैफू भाई काफ़ी ज़्यादा हवाओं में उड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने PSL के मिनी ड्राफ्ट के अंदर आंद्रे रसल को पिक कर लिया है। देखिए, बहुत बड़ी T20 की एक अट्रैक्शन आंद्रे रसल, उन्होंने T20 लीग्स के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। लेट्स सी कि वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए किस तरह की परफॉर्मेंस दे पाते हैं, क्योंकि हमने जो PSL का पहला इब्तदाई राउंड था कोविड से पहले, उसके अंदर देखा था कि क्वेटा ग्लैडिएटर की जानब से कोई ख़ास परफॉर्मेंस हमें देखने को ना मिल सकी। लेट्स सी अब क्या होता है कि जबकि आंद्रे रसल जैसी अट्रैक्शन क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अंदर आ चुकी है। I lost the super over again, but no worries, we are still smiling. Captain cool है ये बता। और इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीम जितनी मर्जी अंडर प्रेशर या डिप्रेशन हो, ये बंदा हमेशा अपना हेड कूल रखता है और इसके एक चेहरे पे मुस्कान रहती है। देखें, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिनको ले के ये तनकीद कर सकता था और अपनी हार को जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकता था। लाइक केन विलियमसन इजीली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात के मुद्दे को उठा सकते थे कि बेन स्टोक्स के बल्ले को जो गेंद लग के बाउंड्री की जानब गई थी, उस पर इंग्लिश टीम को रन्स नहीं मिलने चाहिए थे। या केन विलियमसन इस पॉइंट को भी उठा सकते थे कि जब सुपर ओवर के अंदर मैच टाई हो गया था, तो आखिर तब बाउंड्रीज़ के ऊपर इतने बड़े वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट का फैसला क्यों किया गया, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी भी ऐसे पॉइंट का तذکرہ नहीं किया और उन्होंने अपनी हार को तस्लीम किया खुले दिल के साथ।
तो नाजरीन ये तो थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। आप भी हमारी इन वीडियोज़ का हिस्सा बन सकते हैं और अगर आपके पास भी कोई मीम्स का ज़खीरा है तो facebook.com/shamispeaks पे आप हमें सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल को पहली मरतबा विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग शामी स्पीक्स।